प्रधानमंत्री जी को पुष्प भेंट कर स्वागत करें। हम सबके नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पार्टी का पटका पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आप सबके बीच भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हम सब लोग जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का आह्वान करें। ये तालियां तब तक बजती रहना चाहिए जब तक प्रधानमंत्री जी बोलना शुरू नहीं कर दें। और जोर से चंबल की तालियां, और जोर से, और जोर से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अंबिका माता की, अंबिका माता की। मुरैना की धरती, देश की आजादी और राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित संतानों और वीर माताओं की भूमि है। मुरैना ने हमेशा राष्ट्रभक्ति की धारा को प्रेरित किया है और आज भी ये प्रेरणा हमें यहां से मिलती है। यहां 64 योगिनी मंदिर, बटेश्वर मंदिर, गढ़ी पढ़ावाली मंदिर जैसे अनेक आस्था के पावन स्थान है। मैं प्रेरणा की इस पावन धरा को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मेरे परिवारजनों, चंबल ने भाजपा को हमेशा खूब आशीर्वाद दिया है। मैंने जब जब आपका साथ मांगा, आपका समर्थन मांगा, आप पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ खड़े हुए। आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है वो मुझे दिन रात देश के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि आप ही मोदी का परिवार है। आपके जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना यही एकमात्र मेरा मिशन है, और इसलिए जब नाता इतना गहरा हो, संकल्प इतना महत्वपूर्ण हो, परिश्रम की पराकाष्ठा हो, मन का मेल मिलाप हो, और तभी तो आज पूरा एमपी कह रहा है एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, और मोदी के मन में, और मोदी के मन में। मेरे परिवारजनों,
मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की डबल इंजन सरकार बनी है तब से मध्य प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिल रही है। 2014 से पहले के 10-12 सालों में यहां बीजेपी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। और कांग्रेस जब केंद्र में सत्ता में थी तब एमपी को सहयोग देने की तो बात छोड़िए, समर्थन करने की बात तो छोड़िए, डगर डगर पर रुकावटें डाली जाती थी, मुसीबतें पैदा की जाती थी, काम में रोड़े अटकाए जाते थे। मैं भी पहले गुजरात का मुख्यमंत्री था, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि दिल्ली की कांग्रेस की सरकार हमें परेशान न करती हो, काम में रुकावटें न डालती हो। मध्य प्रदेश के साथ भी उस समय की दिल्ली की कांग्रेस सरकार का यही सौतेला व्यवहार था और इसका प्रमाण हमें चंबल क्षेत्र में भी दिखता है। आज एमपी में आप सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। इतना बड़ा चुनाव चल रहा है और वो कपड़े फाड़ने की कंपटीशन में लगे हुए हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ो और एक दूसरे अपने चेले चपाटों को कहते हैं कि तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है तुम इसके कपड़े फाड़ो। और यही दो चेहरे हैं जिन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश की कांग्रेस को चलाया है, कांग्रेस की सरकारों को चलाया है। अगर एमपी को बीमारू राज्य की बदनामी मिली तो इसके लिए ऐसे ही नेता जिम्मेदार है। मेरी बात सही है? जरा पूरा जोर से बताओ तो पता चले मेरी बात सही है। इन्हीं लोगों ने बीमारू बनाया ना, इन्हीं लोगों ने बर्बाद किया ना, तो इनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा देने में जरा भी कमी मत करना। और तो चंबल की धरती है, यहां तो सजा बड़ी पक्की होती है। एमपी के 18 से 30 वर्ष के नौजवान ये बात भली भांति समझ रहे हैं और इसलिए एमपी का हर नौजवान आज कह रहा है कांग्रेसी सरकारों ने हमारे माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, वो हमारा भविष्य कैसे अच्छा बना सकते हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के नेताओं के लिए अपना और अपने परिवार का हित ही सब कुछ है। कांग्रेस अपने नेताओं के बच्चों को स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ रही है, उसे अपने बच्चों की कोई फिक्र ही, आपके बच्चों की फिक्र है ही नहीं, वो अपनों में से ही बाहर आए तब आपकी चिंता करे ना। और आपने देखा होगा घूम फिर करके तीन परिवार दिखते हैं, एक दिल्ली वाला और दो यहां वाला, ये तिकड़ी घूम रही है बस। जब नेता अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो एमपी का विकास कैसे संभव है?
यही कांग्रेस के नेताओं ने भूतकाल में भी किया है, आज भी यही चल रहा है। भाजपा के लिए गरीब, मध्यम वर्ग, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के बच्चों का भविष्य बनाना, यही हमारे लिए सर्वोपरि है। आपका सपना ही, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मैं इसी संकल्प को सिद्ध करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखता हूं। परमात्मा ने जितने मुझे शक्ति दी है, जितना मुझे समय दिया है, हर पल आपके सपनों को साकार करने के लिए जुटा रहता हूं और आपके आशीर्वाद से मुझे ताकत मिलती रहती है। आज भी मैं मुरैना में आपको अपने ईमानदार प्रयासों की वही गारंटी आपके सामने आकर के देने के लिए आया हूं। और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मोदी की गारंटी क्या होती है, इसका उदाहरण वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी, ये सब जानते हैं। कांग्रेस ने चार दशक तक हमारे सैनिकों की बात नहीं सुनी, सब कुछ कुर्बान कर देने के उसका जज्बा लेकर देश की सेवा करने वाले सैनिक कांग्रेस के रवैये से परेशान थे। सिर्फ 500 करोड़ रुपए किनारे रखकर कांग्रेस ने हमारे सैनिकों से झूठ बोलना, वन रैंक वन पेंशन लागू करने के झूठी गारंटियां देना, गुमराह करना, भ्रमित करना, आंख में धूल झोंकना, बेईमानी से काम करते रहे। ₹500 करोड़ रुपये में वन रैंक वन पेंशन संभव ही नहीं था, उनको भी पता था। मोदी ने देश के हर सैनिक परिवार को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। हमने इसे डंके की चोट पर लागू किया। देश भर के पूर्व सैनिकों को ओआरओपी के तहत 70,000 करोड़ रुपये ये मेरे पूर्व सैनिकों को मिल चुके हैं। मेरे परिवारजनों, आज के नौजवानों के लिए ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। आजादी के बाद देश के सबसे पहले घोटालों में जो सबसे पहले घोटाले हुए, उसमें से एक घोटाला जो कांग्रेस ने शुभारंभ किया था, वो सेना से ही घोटाला करके शुभारंभ किया था। एक कांग्रेस ही थी जिसने देश की सेना को विदेशी हथियारों पर निर्भर रखा। सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को कांग्रेस ने बेहतर सुविधाओं से वंचित रखा। आतंकी हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले जाते थे
और कांग्रेस सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहती थी, बयान दे करके छूट जाती थी। देश में आतंकी हमले होते थे, कांग्रेस के लोग विदेशों से मदद मांगने के लिए गुहार लगाते थे, लेकिन आज का भारत नया भारत है। आज की सेना आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है, करारा जवाब देती है, घर में घुसकर जवाब देती है। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। ये भाजपा सरकार ही है जिसने सैनिक स्कूलों में तीनों सेनाओं में बेटियों की भर्तियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब हमारी बेटियां भी सेनाओं में अफसर बन सकती हैं और अग्रिम मोर्चों पर तैनात हो सकती है। मेरे परिवारजनों, मोदी की एक और गारंटी हर वंचित तक सुविधाएं पहुंचाने की है। कांग्रेस कहती है देश के साधन संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारे लिए देश के संसाधनों पर पहला हक हमारे गरीबों का है, हमारे वंचितों का है। मोदी के लिए देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है। हमारी हर गरीब कल्याण योजना के सबसे बड़े लाभार्थी दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवार ही है। मोदी ने हर गरीब को पक्के आवास की गारंटी दी है। अभी तक एमपी में लगभग 48 लाख आवास गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। जिन साथियों को और जो यहां आपके परिचित कोई है तो मेरी तरफ से बता देना, जिन साथियों को अभी घर नहीं मिले हैं, 3 दिसंबर के बाद यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से तेज गति से काम चालू करके हर गरीब को पक्का घर देना, ये मोदी की गारंटी है। केंद्र सरकार इसके लिए भी हजारों करोड़ रुपये को मंजूरी दे चुकी है। साथियों, आप में से अनेक साथियों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है। कोरोना के इस भयंकर संकट के समय गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, कोई भी बच्चा मेरा देश का भूखा न सो जाए, इसलिए हमने अन्न के भंडार खोल दिए थे और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना शुरू किया था। अब ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी आपके दिल में है और मोदी के दिल में आप है, इसलिए मोदी ने तय किया है, इसलिए मोदी का निश्चय पक्का है कि दिसंबर में इस योजना को समाप्त नहीं करूंगा। दिसंबर के बाद 5 साल के लिए इस योजना को आगे बढ़ाऊंगा।
ताकि मुफ्त राशन आप जैसे परिवारों को मिलता रहे। जिन लोगों को चिंता थी कि दिसंबर में जब योजना खत्म हो जाएगी तब राशन खरीदने का खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी चिंता करने के लिए दिल्ली में आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक बैठा है। मुफ्त राशन की योजना से बहुत बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी और आदिवासी परिवारों को फायदा हो रहा है। अब आप मुझे बताइए जरा, जवाब देंगे आप लोग? सबके सब जवाब देंगे? मुझे बताइए, ये गरीबों को मुफ्त राशन देने का मोदी का निश्चय सही है? सही है? सही है? मुझे ये काम करना चाहिए, पक्का करना चाहिए? अब आप कहते हैं करना चाहिए, कांग्रेस वाले मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन में मुकदमा दर्ज करने गए, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दी है कि मोदी ये नहीं कर सकता है, गरीबों को राशन नहीं दे सकता है। भाइयों बहनों, जो आपका राशन छीनने के लिए षड्यंत्र करते हैं, ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए? ऐसी कांग्रेस को सजा देनी चाहिए? इस चुनाव में सजा देंगे आप? हर पोलिंग बूथ से उसको साफ कर देंगे? भाजपा सरकार ने 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड दिया है। इसके तहत अभी तक एमपी में 33 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज हो चुका है। जिन परिवारों का मुफ्त इलाज हुआ है उनमें से 15 लाख से अधिक, यानी आधी से भी अधिक लाभार्थी हमारी माताएं बहनें हैं। मरीज अस्पताल में भर्ती हुए, अपना इलाज कराया, लेकिन उन्हें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। माताएं बहनें, ये आयुष्मान योजना मैं क्यों लाया हूं पता है? क्योंकि मैं भी गरीब मां का बेटा हूं, मैं गरीबी से निकला हूं, मैंने गरीबी को जिया है, और इसलिए मुझे मालूम है कि अगर किसी मां को परिवार में बीमारी आ जाती है तो वो मां घर में कभी किसी को पता नहीं चलने देती कि उसको तकलीफ हो रही है, बीमारी आई है। कितना ही बुखार होगा, घर में किसी को पता नहीं चलेगा, वो काम करती रहती है। हमारी माताएं बहनें सोचती है, हमारी माताएं बहनें सोचती है कि अगर बच्चों को पता चल गया कि मुझे कोई बीमारी है, अगर अस्पताल ले गए और पैसे नहीं है तो बच्चे कर्ज में डूब जाएंगे, वो कहीं से पैसे ब्याज से लाएंगे और मेरा इलाज करवाएंगे, अब मेरे बच्चों को मैं कर्जदार नहीं बनाना चाहती और इसलिए मैं कोई इलाज नहीं करवाऊंगी, बच्चों को इलाज का मुसीबत बताऊंगी नहीं। ये हमारे देश की माताओं बहनों का स्वभाव है, वो अपना दर्द किसी को बताती नहीं है, वे दुख सहन करती है। क्यों? पैसे नहीं है, बच्चों पे कर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका ये बेटा दिल्ली में बैठा है, अब आपके बेटे को कर्ज नहीं करना पड़ेगा, आपकी बीमारी के इलाज 5 लाख रुपए तक ये आपका बेटा जिम्मेवारी लेता है। माताएं बहनें,
साथियों, हमारे जो श्रमिक साथी हैं, जो खेत मजदूर हैं, उनको 60 वर्ष बाद तय पेंशन मिले, इसकी चिंता भी भाजपा सरकार ने की है। उनके लिए हमने श्रम योगी मानधन योजना चलाई है। इसमें एमपी के 2.25 लाख से ज्यादा श्रमिक जुड़ चुके हैं। इसमें 80% से ज्यादा यानी 1.5 लाख साथी एससी एसटी ओबीसी वर्ग के हैं। ये प्रमाण है कि भाजपा सरकार की योजनाएं एससी एसटी ओबीसी को सशक्त कर रही है। भाजपा सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। साथियों, भाजपा सरकार अपने किसान भाई बहनों के हितों की भी चिंता कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एमपी के 82 लाख उससे भी अधिक किसान परिवारों को मदद मिली है। उन्हें हर वर्ष 12,000 रुपया मिल रहे हैं। अभी तक एमपी के किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक मिल चुके हैं। किसानों को इतनी मदद इसलिए संभव हो पा रही है क्योंकि एमपी में डबल इंजन की सरकार है। मेरे परिवारजनों, हमारे यहां पीढ़ियों से गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों की जमीन से जुड़े विवाद चलते रहे। उनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अक्सर काम के लिए उन्हें अपने गांव से, अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में दबंग उनकी जमीन पर, उनके घरों पर कब्जा कर लिया करते थे। कांग्रेस और दूसरी जातिवादी पार्टियों को गरीबों की यह समस्या कभी दिखी नहीं। ये गरीब का बेटा मोदी है जिसने गरीब की ये पीड़ा समझी है। हमने तय किया कि हर परिवार को उसकी जमीन, उसके घर का कानूनी दस्तावेज दिया जाए। इसलिए आज देश भर में पीएम स्वामित्व योजना चल रही है। इसमें ड्रोन की मदद से गांव में घरों की जमीन के नक्शे बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पूरे देश में ये काम करने में बहुत आगे रही है। यहां लाखों परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। मेरे परिवारजनों, वोट के लिए दलितों और पिछड़ों की बातें करने वाले कांग्रेस के नेताओं ने एक परिवार के सामने किसी को महत्व नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अंबेडकर की राजनीति को खत्म करने का अभियान चलाया। उन्हें भारत रत्न देने में भी कभी रुचि नहीं दिखाई। देश की सड़कों, संस्थानों और सरकारी योजनाओं में सिर्फ एक परिवार का ही काम, परिवार का ही नाम, यही उनका कारनामा रहा है। झूठ का जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं, उनमें भी वही परिवार ही छाया हुआ है। ये भाजपा सरकार है जिसने दुनिया भर में जहां जहां बाबा साहब रहे वहां पंच तीर्थों का निर्माण किया। आज भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। भारत के यूपीआई की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। डिजिटल इंडिया की हमारी सबसे बड़ी योजना का नाम भी भीम यूपीआई हमने रखा है। हाल ही में सागर में संत रविदास के भव्य मंदिर और स्मारक की नींव रखने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। ये मध्य प्रदेश में सबका साथ सबका विकास का एक बड़ा पेरा केंद्र बनने जा रहा है। मेरे परिवारजनों, मुरैना में विकास की अद्भुत संभावना है। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने यहां सड़क हो, पानी हो, स्कूल अस्पताल हो,
हर प्रकार की सुविधाओं का विस्तार किया है। हर घर, मेरे नौजवान साथियों, आगे जगह नहीं है, आगे आने की संभावना नहीं है, आप आगे आने की कोशिश मत करिए भैया। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, ये आपका प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन जगह नहीं है, जहां है वहीं रुकिए, जगह नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, इससे बड़ा मेरा और सौभाग्य क्या हो सकता है भाइयों। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हर घर जल अभियान के तहत यहां के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन दिया गया है, सिंचाई की अनेक सुविधाएं विकसित हुई है। इन सिंचाई की अनेक सुविधाओं के कारण अब इस क्षेत्र को हम आगे चलकर सौर ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन को भी प्रोत्साहन दिया है। हमारे देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है, ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, अब मोदी ने स्वीट रिवॉल्यूशन शुरू किया है। और मेरे मुरैना के भाई बहनों ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। मधुमक्खी पालन, शहद का उत्पादन, अनेक परिवार आज हमारे यहां हमारी बहनों ने आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए मेरी बहनों को बहुत बधाई देता हूं। आने वाले समय में भाजपा सरकार खेती और पशुपालन से जुड़े दूसरे उद्योगों का भी यहां विस्तार करेगी। मेरे परिवारजनों, भाजपा तेज विकास की गारंटी है। कांग्रेस को अगर गलती से भी अवसर मिल गया तो वो मोदी के काम में ही रुकावटें पैदा करेंगे। वो मुझे आपके लिए काम करने से रोकने में ही वो अपनी ऊर्जा खपा देंगे। इसलिए चंबल की हर सीट, हर बूथ पर कमल का फूल खिलना चाहिए। हमारे इन साथियों को आपका भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए। आप इतनी बड़ी सभा हो गई, चारों तरफ जय जयकार चल रहा है, क्या आप जाकर के सो जाएंगे? बहुत हो गए, आप तो जीत गए, ऐसा मान करके बैठ जाएंगे? ऐसा मत करना। हर घर जाना है, कमल खिलाना है, खिलाओगे? हर पोलिंग बूथ से कमल को जिताओगे? पूरे हमारे क्षेत्र से सभी सीटें भाजपा को दिलाओगे? इसके लिए आप एक 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 मतदाता को मिलोगे, उनको मेरी बातें पहुंचाओगे, चुनाव में मतदान करवाओगे? पक्का? अच्छा, मेरा एक काम करोगे? क्यों आवाज धीरी हो गई भाई? मेरा एक काम करोगे? ये माताएं बहने नहीं बता रही है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करोगे? देखिए, ये बुजुर्ग माताजी वहां से आशीर्वाद दे रही है, मेरा काम करोगे? सब लोग करोगे? पक्का करोगे? लेकिन जो मैं काम कहने वाला हूं ना, वो चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे? फिर भी करोगे? पक्का करोगे? ऐसा है, एक छोटा सा काम कर रहा है, करेंगे ना? आप घर घर जाना और कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, इतना मेरा काम कर देंगे। हर घर में जाकर के कह देंगे, जब आप मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे ना, तो परिवार के सब लोग मन से मुझे आशीर्वाद देंगे। और मेरा इनसे इतना लगाव है कि आशीर्वाद डायरेक्ट मेरे तक पहुंच जाएगा और उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी,
जिसको लेकर मैं देश के लिए दौड़ता रहूंगा, आपके लिए दिन रात काम करता रहूंगा। और इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, हर घर जाकर के कहना, मोदी जी आए थे, आपको उन्होंने प्रणाम भेजा है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। पटिया वाले महाराज जी की, पटिया वाले महाराज जी की, पटिया वाले महाराज जी की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी।